सभी का आपके अपने चैनल आरबीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। 5 महीने बाद पकड़ा गुलदार, पिंजरे में शिकार करने आया और फंस गया। नरभक्षी तो नहीं, होगी जांच। लंबे समय से आतंक मचा रहा गुलदार आखिरकार 5 महीने के इंतजार के बाद पिंजरे में आया। रेहड़ के गाँव सादकपुर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, पास के गाँव भटपुरा में 30 जुलाई को युवती को मारा था, उसी गुलदार के होने की आशंका। वन विभाग की टीम नरभक्षी होने की जानकारी के लिए उसके पदचिन्ह का मिलान करेगी। आखिरकार 5 महीने के इंतजार के बाद मिली सफलता, पिंजरे में आया गुलदार। गुलदार को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटी। कुत्ते का शिकार करने आया था गुलदार। पिंजरे में बंद गुलदार की उम्र करीब 2 वर्ष। बिजनौर की तहसील धामपुर में पिछले 5 महीनों से फैले गुलदार के आतंक के बीच वन विभाग को पहली सफलता हाथ लगी। थाना रेहड़ क्षेत्र के गांव सादकपुर में लगाए गए पिंजरे में सोमवार देर रात गुलदार कैद हो गया। इस स्थान से लगभग आधा किलोमीटर दूर ही गांव भटपुरा में बीती 30 जुलाई को गुलदार ने 18 वर्षीय युवती को मार डाला था। पिंजरे में कैद हुए गुलदार के भी वही गुलदार होने की आशंका है। 2 अगस्त को लगाया था पिंजरा। तहसील धामपुर में लगभग 5 महीने पहले 19 अप्रैल को पहली घटना में अफजलगढ़ में गुलदार ने एक बुजुर्ग को मार डाला था, जिसके बाद लगातार अलग अलग घटनाओं में गुलदार 5 लोगों को मार चुका है। बीती 30 जुलाई को थाना रेहड़ के गांव भटपुरा में 18 वर्षीय युवती जमुना को गुलदार ने मार डाला था, जिसके बाद 2 अगस्त को वन विभाग ने सादकपुर में इंटर कॉलेज के पीछे गांव निवासी सर्वेश कुमार चौहान के खेत में पिंजरा लगाया था। सोमवार रात हुआ कैद, प्रधान प्रतिनिधि ने लगाया था शिकार। सादकपुर गांव भटपुरा से सटा हुआ है। गांव भटपुरा में 30 जुलाई की शाम गुलदार ने 18 वर्षीय युवती जमुना देवी को मार डाला था। इसके बाद ही 2 अगस्त को विभाग ने भटपुरा से 500 मीटर की दूरी पर गांव सादकपुर में किसान सर्वेश चौहान के गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया था। सादकपुर प्रधान नरगिस जहां के प्रतिनिधि अय्याज अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पिछले कई दिनों से पिंजरा खाली था। उन्होंने गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर सोमवार रात एक कुत्ते को पिंजरे में बांधा था। मंगलवार सुबह वह पिंजरा देखने पहुंचे तो गुलदार कैद था और कुर्राता हुआ मिला। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। सूचना पर DFO अरुण कुमार सिंह, वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह आदि पहुंचे। रिपोर्ट आमिर पठान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए RBS समाचार।